मैंने कृष्णा को उसके अपने प्यारे से दिन, ये जो स्पेशल दिन है हमारा, तो मैंने कृष्णा को, ये मुझे मेरी फेवरेट ड्रेस है, तो मैंने कहा नहीं आपको आज यही पहना दी। और मम्मी मैंने इनके लिए तो धूप पत्ते ले लिए, मैं इनके लिए थोड़ी सी तो मैं पूजा मैंने कर ली है फ्रेंड्स, यहाँ पे धूप भी लगा दी है और ना हाँ यहाँ पे अब साफ दिख रहा है। तो मैंने कृष्णा को ये वाली ड्रेस पहनाई जिसमें मुझे कृष्णा बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही मेरी फेवरेट है और शायद ही कृष्णा की भी फेवरेट है। कृष्णा तो कान्हा जी अपना बहुत सारा आशीर्वाद देना। और बस मैं अब जा रही हूँ यहाँ पे भोग लगाने कन्हैया का जल्दी से, और हलवा बनाऊँगी मैं तो बना लेती हूँ। मैंने छोले रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, और यहाँ पे पूड़ी के लिए लगा रही हूँ मैं आटा। इसमें थोड़ी सी मैंने कसूरी मिर्च डाली है, अजवाइन और थोड़ा सा मोमिन यहाँ पे, और बस अब मैं आटा लगा लूँगी पूड़ी के लिए। तो इस तरह से कुछ कर रही हूँ मैं तैयारी, क्योंकि मैं भोग लगा सकूँ कान्हा जी का अपने हाथों से बना के अपने स्पेशल डे पर, उनसे आशीर्वाद भी लेंगे और गाय का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने छोले एकदम से रेडी कर दिए थे, थोड़ा सा भी इसमें पानी बचा था, यानी मुझे बिल्कुल थिक बनाने थे ये, और मैंने यहाँ पे आमचूर ऐड कर दिया था। कुछ लोग यहाँ पे इमली का भी यूज़ करते हैं, तो जब तक थोड़ा खट्टा पानी नहीं आ जाता छोले में थोड़े कम ही स्वाद लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने वो भी परफेक्ट तैयार कर दिया। और कान्हा जी का लगा दिया था सबसे पहले भोग, गाय के भी लिए निकाल दिया था, और यहाँ पे सभी को भोग देने के बाद ये ले हाँ क्या है मम्मी पापा की, और ये ऐसे जल्दी जल्दी खा के बता का। शिवांश को ना पापा को घोड़े पे बिठवाना ही है, कह रहा होटल में शादी होती है, आप पापा से शादी करोगी और होटल में शादी होती है। मैं इससे बोल रही हूँ मैं तो साड़ी पहनूंगी, साड़ी पहन के कौन दुल्हन बनता है। हैप्पी एनिवर्सरी पति देव, पत्नी देव। खाना खाने के बाद हम गए थे यहाँ पे मार्केट, और मार्केट से बस थोड़ी स्वीट ली, केक लिया, और हमारे पतिदेव ने हमारे लिए लिया था एक फ्लावर, वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि रोज़ दिया था उन्होंने मुझे, और ये उन्होंने पहली बार लिया, मुझे भी नहीं पता था। और यहाँ पे एक छोटी बेबी के लिए हमने कुछ लिए थे यहाँ पे गिफ्ट, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस लिए लिए थे इसी ब्लॉग में। और घर आने के बाद हम सेलिब्रेट करने वाले हैं अपना छोटा सा ये एनिवर्सरी का जो स्पेशल दिन को हमने किस तरह से सेलिब्रेट किया। हाइट तो इतनी रहने दो बड़ी सी इनमें नहीं है भैया। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, और इस मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने भाई सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, नीचे बहुत तेज़ हवा चली हुई है जैसे कि, तो मैंने ना जैकेट डाल ली है। और हम अभी जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि मैं दिन में नहीं जा पाई थी और उनकी नाइट शिफ्ट होती है तो सोई हुई थी, तो अब हम शाम को जा रहे हैं मंदिर। और बस मंदिर से जाने के बाद फ्रेंड्स आ गया, हमारी सोसाइटी में एक पार्टी हुई है, डिनर पार्टी है, तो वहाँ भी जाना है। तो यहाँ पे मैंने साड़ी डाल ली थी और बहुत ज़्यादा हवा चली थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, जैकेट भी डाल ली थी, और मंदिर जा रहे थे अब हम, और यहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे। हम जा रहे हैं मंदिर और आने के बाद जाएंगे। एनिवर्सरी के दिन भी बिल्कुल चल नहीं है गाइस, मतलब कमेंट बाजी चढ़ाना वो बिल्कुल जा नहीं रहा, आदत से मजबूर है ना, ये नहीं थोड़ी तारीफ कर दें बीवी की, साड़ी वाड़ी पहनी है देखो ठंड में।
और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, तो दर्शन कराएंगे आपको भी और भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे। नहीं वो लगा के रखते हैं वैसे ही कुत्ता उत्ता घुस है, तो बस अब मंदिर में भगवान जी का लेंगे आशीर्वाद। और यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, इधर आओ। हमारे पति देव ने कुछ इस तरह से पहने हैं अपने, उनकी जो ड्रेस लुक है वो ये है, और मेरी लुकिंग जो है वो कुछ ये है। और ये तो आरती हो गई है शाम की, और मंदिर से पंडित जी शायद चले गए हैं, तो हम प्रसाद चढ़ा दूँगी मैं जो लेके आई थी, और आरती दीपक जलाएंगे। तो आज मुझे ज़्यादा ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैंने थोड़ा सा भूख बनाया था, इसकी ऑनलाइन क्लासेस थी बैक टू बैक, इसलिए मैं ज़्यादा कैमरा उठा नहीं पाई, और जितना हो पाया इतना ही मैंने आपके साथ शेयर किया है। और हम पहुँच गए हैं मंदिर, ये फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो पंडित जी तो यहाँ पे नहीं है अभी, इनको सुला के गए हैं और ये टिप स्टप हो रहा है यहाँ पे। मुझे भी खाना है, देखो इनको आप देख सकते हो ये सांप है और ये है रसमलाई, ये देखो इनका मुंह देखो इतना शिकायत। तो हमारी मैरिज एनिवर्सरी से ज़्यादा एक्साइटेड जो है आज शिवांश था, और उसको पता नहीं आज वो ऐसे डायलॉग बोल रहा था ना सारे दिन, मुझे इतनी हंसी आई जा रही थी, और वहाँ भी ना इसका मुँह एक मिनट को बंद नहीं था, आप देख ही सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मूव करता है शिवांश यहाँ पर वीडियो हमारी बना रहा था। और फ्रेंड्स यहाँ पर शायद सर्दी की वजह से पंडित जी जल्दी आते हैं और आरती पूजा करके वो यहाँ पर शयन करा के चले जाते हैं जल्दी से भगवान जी को। और ये ऐसे टाइम 7:30 बजे का ही टाइम था, ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हम मंदिर इसी वक्त गए थे और पूजा करी, प्रसाद चढ़ाया, और बस भगवान जी का आशीर्वाद लिया, प्रार्थना की, और फिर हम वापस आएंगे घर पे। और यहाँ पे देख लीजिए शिवांश थोड़ा सा नाराज हो गया था, तो उसने ठीक से वीडियो भी बनाई नहीं है, पर चल दे दिया इसको प्रसाद प्रसाद, हाँ इस एक रसगुल्ला दे दिया इसको, ये भी हमारे साथ आ गई थी, इसको फिर एक रसगुल्ला दे दिया है, मीठे ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए ना डॉगी को। पूजा हमारी हो गई है फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं घर पे, और बस घर पे जाने के बाद तेज हवा भाई जैकेट पहनी बहुत जरूरी थी। की मैं लेके आई थी, तो उन्हें हवा भरने का काम जारी है, और यहाँ पे मदद कर रहे हैं, तो इस तरह से हरियाली हमारी एनिवर्सरी का एंड तैयार हो गया है। ऐसे डेकोरेशन करने के बाद दिखाते हैं आपको, बेचारे को देख लो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारी में हवा भर दी ऑलमोस्ट, और एक हमारा ये थोड़ा सा फट गया, कोई नहीं तो इसके बगैर, और बस इस शिवांश के जो हैप्पी एनी बर्थडे को इसको हटा देंगे, काफ़ी ओल्ड हो गया। फाइनली हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है, और डेकोरेशन की है पतिदेव ने, तो आप देख सकते हैं हैप्पी एनिवर्सरी काफ़ी बड़ा हो गया था दीवार पे, तो जो तीन यहाँ पे अल्फाबेट हैं वो नीछे आए, और बल इनको हमने ऐसे ही छोड़ दिए, बस ऐसी मस्ती के लिए खेलने की इधर उधर उड़े हुए हैं, सबको पीछे लगा दो ना। तो चलिए हम आप सबके साथ अब केक काट लेते हैं, केक कटिंग की बारी आ गई है। हाँ जी, तो आप हमें ढेर सारी दुआएं दे सकते हैं, ब्लेसिंग देना अपनी, और बस अब हम केक काटने की तैयारी कर, लाइफ में हमारे पति देव प्रपोज करने आ रहे हैं, तो आप सबके सामने आप फिर थाम के बैठी है, और ये मैंने देखी साड़ी पहनी भाई, अब जैकेट थोड़ी देर उतार दूँ क्या, चलो मैं जैकेट पहन के रहूँगी, सी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और देखो हमारे पति देव प्रपोज करने जा रहे हैं, हमें इजाज़त देते हैं आपको। और ये देखिए गिफ्ट, ये हमें गिफ्ट मिला है साथ में एक, थैंक यू पापा के लिए, तो पापा की तरफ से हमें ये पापा जी का भरा गुलाब मिल गया पापा जी के लिए, इसमें है टी-शर्ट, तो कार्ड बनाया था मम्मी पापा के लिए। तो फ्रेंड्स एक और चीज, शिवांश ने यहाँ पर मम्मी पापा के लिए कार्ड बनाया था, तो फ्रेंड्स इसको मैं बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगी, शिवांश ने लिखा क्या है, उसने ये कार्ड बनाया मम्मी पापा के लिए,
तभी वो देगा, इसे मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। सेलिब्रेशन था जो आपके सब साथ शेयर किया है, और हमारी सोसाइटी में एक पार्टी थी तो वहीं से आए, खाना वाना वहीं हो गया है, डिनर हमारा। और ये हमारा सरप्राइजिंग गिफ्ट, इसको देखते हैं खोल के इसमें क्या निकलने वाला है। और इस बार आपने मेरे ये लगा दिया। हाँ, मैं सिवान से एक जरूर दिखाऊंगी आप जो गिफ्ट था उसको, ये ओपन कर रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे। दे दे बेटा, एक कैच दे दे पापा को। अब हम कुछ फोटोज ले रहे थे अपने, जो कि हमारे ये शैतानी इतना कर रहा है ना बच्चा, और इसको तो पता नहीं, पता है मैं इसकी बात बताऊंगी आपको। इसको लग रहा था शादी की सालगिरह है तो मम्मी पापा की शादी होगी, मम्मी लहंगा पहनेगी, पापा तो घोड़े पे आएंगे बैठ के, और पता नहीं क्या क्या इसके दिमाग में चल रहा था। तो शिवांश कैसा लगा आज आपको, मम्मी पापा की शादी हो गई? अच्छा, फ्रेंड्स यही था हमारा मैरिज एनिवर्सरी ब्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी के साथ इस ब्लॉग का हम एंड करेंगे, तो एंड करने के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ जो स्पेशल गिफ्ट मेरे लिए सच में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ही है वो, जो शिवांश ने बनाया अपने हाथ से मम्मी पापा के लिए, वो बहुत ही प्यारा लगा था, उसका छुटकुसी का प्यार सा छुपा हुआ था, वो मेरे लिए बहुत टचिंग था। और फ्रेंड्स मेरी तरफ से इनके लिए गिफ्ट था, तो वो कुर्ता पजामा मैंने इनके लिए दिए थे, जैसे कि होली भी आ रही है और अच्छा लगता है कुर्ता पजामा, तो मुझे काफ़ी रोज़ तो बस इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बड़ी चीज़ दे या गिफ्ट, हमेशा हस्बैंड ही वाइफ को दे, वाइफ भी हस्बैंड को दे सकती है, वो और भी अच्छा लगता है, मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। और उनकी तरफ से ये रोज़ मेरे लिए यही बहुत है, और इसी रोज़ की तरह मुझे रोज़ उनकी तरफ से प्यार मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ अपने भगवान जी से। तो इस ब्लॉग को हमने बस ऐसे सिंपल और सादा से सेलिब्रेट किया हमारी सोसाइटी में, क्योंकि एक फंक्शन था, शाम का डिनर पार्टी थी, तो ज़्यादा कुछ ऐसे सोचा नहीं। और इस ब्लॉग में मैंने लास्ट ईयर शैली थी यहाँ पे, शैली को मिस किया था, और या थैंक यू सो मच आप सबकी इतनी सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए, इतनी सारी आपने हम सबके लिए दुआएँ दी, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बाय। जो शिवांश ने बनाया था हमारे लिए वो है ये, उसने स्पेलिंग पता नहीं कहाँ से देख के लिखी है, या यूट्यूब से देखी है या कहाँ से देखी है पता नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी पापा मॉम आई लव यू, और यहाँ पे उसने हार्ट बनाए दो, हाउ स्वीट, आई लव यू टू बेटा, थैंक यू।